एसटीएफ उत्तर प्रदेश को साइबर क्राइम पुलिस राजकोंडा कमिश्नरेट तेलंगाना में पंजीकृत मुकदमे में वांछित फरार अभियुक्त सालावदी नागराजू पुत्र रामचंद्रैया गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास से दिन में लगभग 2:30 बजे गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। सालावदी नागराजू पुत्र रामचंद्रैया निवासी चेन्ना राम गांव नेलाकोंडापल्ली मंडल जिला खम्मम तेलंगाना का एक कुख्यात साइबर अपराधी है, जो एक मामले में साइबर क्राइम पुलिस राजकोंडा कमिश्नरेट तेलंगाना में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 138/2022 धारा 417, 419, 420 आईपीसी व 66C, 66D आईटी एक्ट में वांछित फरार अभियुक्त सालावदी नागराजू की गिरफ्तारी हेतु तेलंगाना पुलिस द्वारा एसटीएफ उत्तर प्रदेश से सहयोग मांगा गया, जिस पर लाल प्रताप सिंह पुलिस उपाधीक्षक एसटीएफ लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक सत्य प्रकाश सिंह के नेतृत्व में हेड कांस्टेबल अखिलेश कुमार श्रीवास्तव, हेड कांस्टेबल अशोक कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल अभिलाष तिवारी, कांस्टेबल महेंद्र प्रताप सिंह, एसटीएफ फील्ड इकाई गोरखपुर की टीम को ज्ञात हुआ कि अभियुक्त उपरोक्त जनपद महाराजगंज और गोरखपुर में छिप कर रह रहा है। इसी दौरान सूचना मिली कि 21 जुलाई को अभियुक्त सालावदी नागराजू उपरोक्त रेलवे स्टेशन जनपद गोरखपुर आने वाला है, अगर जल्दी किए जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर एसटीएफ टीम गोरखपुर टीम व थाना साइबर क्राइम पुलिस राजकोंडा कमिश्नरेट तेलंगाना की संयुक्त टीम द्वारा गोरखपुर रेलवे स्टेशन के पास से उपरोक्त अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से एक आधार कार्ड, एक डेबिट कार्ड, 2 मोबाइल फोन को बरामद किया। विस्तृत पूछताछ विवेचक द्वारा की जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्त को थाना कैंट जनपद गोरखपुर में दाखिल कर अग्रिम विधिक कार्रवाई थाना साइबर क्राइम पुलिस राजकोंडा कमिश्नरेट तेलंगाना पुलिस द्वारा की जा रही है।